नारद मोर कथा से शुरू हुई श्रीमान रामलीला, प्रभु राम का वह जन्म बरेली बम्नपुरी में आज से आरंभ हुई विश्व प्रसिद्ध रामलीला के प्रथम दिवस में लीला कथा व्यास गुरु जी मुनेश्वर दास जी ने कथा सुनाते हुए बताया कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है, नाथ मैं जानना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम ने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। तब भगवान शिव जी बताते हैं कि हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है तब समाज में अभिमानी असुर एवं अधर्म की वृद्धि होती है। इतने सारे अत्याचार होते हैं कि जितना वर्णन शब्दों में वर्णित न हो सके। जब जब साधु गाय ब्राह्मण पर अत्यधिक अत्याचार होने लगते हैं तब तब प्रभु अलग अलग रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जिस समय जिस शरीर की आवश्यकता होती है प्रभु वही शरीर लेकर अवतरित होते हैं। अर्थात इस प्रकार वे अलग अलग शरीर धारण करके संतों एवं सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आते हैं। उसी क्रम में भगवान श्री राम जी ने भी जन्म लिया। शिव जी ने राम कथा के साथ साथ नारद मुनि की कथा का भी वर्णन किया कि एक बार नारद जी को स्वयं के रूप और ज्ञान पर घमंड हो गया था। क्योंकि नारद जी माता पार्वती के गुरु थे इसलिए पार्वती जी उपकथा को गहनता से सुना। आज लीला का प्रारंभ श्री लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूपों द्वारा फेरा निकाल कर हुआ। उसके उपरांत उपसभापति नगर निगम सर्वेश रस्तोगी ने आरती उतार कर विधिवत शुभारंभ किया। उनके साथ रामलीला प्रमुख पंकज मिश्रा व विवेक शर्मा, महामंत्री अंशु सक्सेना, कोषाध्यक्ष सुनील रस्तोगी, सह कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा, महामंत्री राजू मिश्रा, महेश पंडित, राजकुमार गुप्ता ने स्वरूपों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर अभिनंदन किया। उसके बाद अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी ने सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत कर सभी से रोजाना लीला में आने का आह्वान किया। प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कल सीता मैया का जन्म होगा, उसके पश्चात फूलों की होली और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आज की लीला में नारद मोहन, रावण जन्म और श्रीमान राम जन्म का मंचन किया गया। पदाधिकारियों में नीरज रस्तोगी, गौरव सक्सेना, सत्येंद्र पांडे, दिनेश दादा, संजीव रस्तोगी, महिपाल रस्तोगी, अखिलेश अग्रवाल, अभिनय रस्तोगी, अनमोल रस्तोगी, अनूर रस्तोगी, शिवम रस्तोगी, राधा किशन रस्तोगी, बंटी रस्तोगी, धीरज दीक्षित, धीरेन्द्र वर्मा, सचिन, श्याम भारतीय, कौशिक टंडन आदि लोग उपस्थित रहे। भगवान जो लक्ष्मी नारायण है, राजा का शरीर धारण करके स्वयंवर में जाते हैं और राजकुमारी में निवासा नृप समाज सभ्यो निवासा। ए राजकुमार जी सुनिए, आप शादी करने आए और क्या? आपसे सुंदर कोई है भी नहीं, क्यों नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा है ना, आज भगवान शंकर के गणों ने कहा देवी स्नानों से तब हर कण बोले मुस्काई ऋषिराज, थोड़ा ऐसा है राजकुमार जी, जिसके साथ में आपकी शादी होगी वो थोड़ा मेकअप कर रही है, आ रही है। शादी हो गई, अब ये तुम्हारी औरत हो गई है अभी भी ले।